फितरत है ये सूरज की हर शाम को ढल जाना, फितरत है ये सूरज की हर शाम को ढल जाना, फितरत है ये सूरज की हर शाम को ढल जाना। दो दिन की जवानी है पल खाओ न तुम इतना। और तुम्हारे वास्ते तारों को तोड़ लाऊंगा, मैं देखने में ही भोला दिखाई देता हूँ। हजरते गिरामी, ये थे जनाबे फुआद खैराबादी जो अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। आइए हजरते गिरामी, अब मैं बिला तमहीद एक अच्छे शायर को आपके सामने पेश करूं, क्योंकि माहौल स्टेज का बड़ा खुशगवार हो गया है, आप समझ चुके हैं। देखिए हमारे पीछे एक शायर बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी जुल्फे हैं, अगर उसे आप देखेंगे तो शायरा क्या उसे आप याद करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, और मैं यमुना की तरह तनहा निहारूं ताज को कब तक, तक कोई गंगा मिले तो मैं अलाहाबाद हो जाऊं, और गजल कहने लगा हूं मैं जरा सा मुस्कुरा दो दो यही तो चाहते थे तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। आइए हजरात, एक ऐसे शायर को आपने माहौल एक ऐसे शायर का बनाया है कि बस इतना कह दूं कि छुआछू खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन छुआछू खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन दुपट्टे से मेरी आंखों पे पट्टी कौन बांधेगा, और हमारे बाद जब सखियां तुम्हें झूला झुलाएंगी तो बरगद पर मोहब्बत की निशानी कौन बांधेगा। आइए एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात की कराएं मेरे दोस्तों, जो मेरे बचपन का रफीक, जवानी का दोस्त, वफादार साथी, जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की मंजिलों को तय किया है, लोगों के दिलों पे भी दस्तक दी है। यकीन मानिए उसकी शायरी पुरानी बोतलों में नई शराब के मानिंद है मेरे दोस्तों। वो नाम है, वो नौजवान है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जनाबे तनवीर अख्तर मौवी का मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि जनाबे तनवीर अख्तर कुछ ही देर में माइक नंबर 1 पे आ रहे हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हेलो 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 पढ़े तनवीर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये शायर है, उन्हें शायरा में भी नहीं बजाया जाता, लेकिन आप कौन सी दुनिया में खो गए। सुने तनवीर अख्तर बहुत अच्छे अंदाज में माइक पर आया, माशाल्लाह। अगर दिल के अंदर इसे महसूस किया जाए तो शायरा लगे। अब बंद सबर के जब माइक के सामने आया है तो शायरा जैसा महसूस भी हो रहा है, लेकिन ये खुदा की कसम मर्द है और मर्दों के दरमियान शायरी करने आया है। पढ़े तनवीर। बस 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 हाजरी ने महफिल जी, लगभग 5 साल के बाद सरैया की सरजमीन पर हाजिरी हुई है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए मैं बाखुदा 800 किलोमीटर का सफर करके आपके बीच में आया हूँ। मैं तमाम अराकीने कमेटी और खास तौर से नसीम अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम की वजह से आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिला हूँ, रिश्तेदारों से मिला हूँ, और आपकी मोहब्बत ने भी आपके बीच में आ गया हूँ।
सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए सीधे सीधे एक मतलब चंद शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये जो मेरे भाई टॉर्च जला रहे हैं आंखों पर लाल रोशनी, उनको आप बंद कर दीजिए। जी एक बार आप पूरा मजमा तालियां बजा के इस्तकबाल कर दें। तनवीर अख्तर को आप बखूबी यूट्यूब पे सुनते हैं, मुझे उम्मीद है और मैं देखता हूँ कि सरैया की सरजमीन पर शायरी बहुत अच्छी सुनी जाती है। आपने इतना खूबसूरत माहौल बनाया, इतने अच्छे शोरा शायरात को आपने मधु किया, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं उससे अच्छी आप ज्यादा शायरी भी पसंद करते होंगे। तो एक मतला चंद शेर उर्दू अदब के हवाले से मैं पेश करता हूँ और खास तौर से मैं स्टेज को बेदार करने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ बतौर खास। जी इरशाद अकमल भाई कि सुना है, सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं। वाह अच्छा है। कि सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं, उस जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तनवीर भाई मुझे लगता नहीं है कि शायरी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि तनवीर कुछ पढ़ रहा है, दाद दे रहे हैं। नहीं तो आज तनवीर अख्तर बहुत कुछ पढ़ के जाएगा। बिल्कुल मुझे मालूम है आपके दिल में बसा हुआ हूँ मैं, आप मेरे दिल में बसे हुए। एक बार आप अपने नाम पे तालियां बजा दे, पेश करता हूँ मुलादा करे कि सुना है सुना, पहले अच्छी शायरी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ बतौर खास मुलादा करे कि सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, विरासत में पाई हो जैसे ज़बां को। आगे से लेकर पीछे तक एक शख्स का हाथ उठना चाहिए। जेके मुशायरा आपकी समातें पूरे मुल्क हिंदुस्तान में दिखा रहे हैं, आप सबूत दीजिए, मैं पेश करता हूँ। जी जी कि विरासत में पाई हो जैसे ज़बां को, विरासत में पाई हो जैसे ज़बां को, वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं। क्या कहना भाई तनवीर, वाह जिंदाबाद। जी करता है तेरे गले में फूलों का हार डाल दूं, लेकिन अभी नहीं। जी बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हैं कन्वीनर मुशायरा अख्तर नसीम साहब जो तनवीर अख्तर साहब को हौसलों से नवाज रहे हैं। बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना भाई, बहुत खूब। मैं सोचा नहीं था कि अभी नंबर आ जाएगा, लेकिन बड़ी खुशनसीबी है मेरी। जी आज बहुत पहले फुर्सत में हो जाऊंगा। मैं पेश करता हूँ फिर ये चार मिसरा आप तक पहुंचाने। तनवीर एक मिनट, आप दिल शिकनी का शिकार मत हो रहे मेरे भाई, इस वक्त मोहब्बत में बिल्कुल जवान है, बूढ़े हो जाएंगे तब थोड़ी माइक पे आपको बुलाऊंगा। जवानी के आलम में जवान जवान से टकराता है तो अच्छी शायरी होती है। पढ़े भाई और ये शायरी। जी कि सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, विरासती में पाई हो जैसे ज़बां को, विरासती में पाई हो जैसे ज़बां को, वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं। सरैया के हवाले से तनवीर अख्तर एक खूबसूरत शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मुझे उम्मीद है कि कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा शेर पर। इरशाद पढ़े भाई तनवीर। वाह कि मुनाफिके मुनाफिक मुनाफिके है शायद हमारी सफों में। अरे वाह 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 मुनाफिक, क्या कहना भाई, अच्छा है। मुनाफिके है शायद हमारी सफों में, मुनाफिके है शायद हमारी सफों में, मुनाफिके है
शायद हमारी सफों में इधर सुनने के बातें उधर बोलते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना, वाह बहुत खूब, अच्छा है भाई, सच्चा है, अच्छा है, वाह 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 बहुत खूब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं। मेरे बड़े भाई सलमान घोसी साहब को अपने फिर से मैं पढ़ूं शेर, पसंद आया तालियां बजा के इस्तकबाल करे कि मुनाफिक है शायद हमारी सफों में, मुनाफिक है शायद हमारी सफों में, मुनाफिक है शायद हमारी सफों में, इधर सुनने के बातें उधर बोलते हैं। अकमल भाई एक शेर और पहुंचाने की कोशिश जी, बता रहे खास मुलाजा करे कि मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी सभी को, बिल्कुल भाई मोहब्बत, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, ये गाँव में मिट्टी के घर बोलते हैं। कहना वाह वाह, शकील सेठ साहब भी नहीं रोक पाए अपने आप को, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जब अच्छी शायरी होती है तो अच्छे लोग भी खड़े होकर अपनी दुआओं से नवाजते हैं। मेरी खुशनसीबी है डॉक्टर समीम साहब, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा। फिर से ये शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुझे याद है कि आप लोगों के लिए भी मुझे पढ़ना, इंशाल्लाह गीत भी पढ़ के जाऊंगा मैं पेश करता हूँ। मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, ये गाँव में मिट्टी के घर बोलते हैं। बाजी मेरी बैठे हुई हैं कानपुर से तशरीफ लाई है, फतेहपुर से तशरीफ लाई है, उनकी दुआएं लेते हैं। मक्ते का शेर हाजिर करता हूं जी, शाह कि जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, खास मुलाजा करे कि जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, मिलाकर वो हमसे नजर बोलते हैं। क्या कहना, वाह बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जब ये मतला तनवीर अख्तर मुशायरे में पढ़ता है तो पूरा मजमा अपनी दुआओं से नवाजता है। आज वो मतला मुबारक सरैया की सरजमीन पर पेश करने जा रहा हूं। आपने यूट्यूब पे सुना होगा, मैं देखना चाहता हूं आप अपनी कितनी दुआ कितनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। और खासतौर से अहले स्टेज बता रहे खास खास मिला जा कर सुनेगा।
मार बहनों के हवाले से मैं बदला पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अच्छा अभी जो है एक बात का ऐलान ये करना, अभी उधर पीछे से कुछ लोग आकर कह रहे हैं जो ये खड़े हैं हजरात पीछे, इनके बहुत सारे अदब नवाज हैं, वो मुशायरे को नहीं देख पा रहे हैं, बड़ी मोहब्बतों से देखना चाहते हैं, जरा आप उनकी मदद करें, आप बैठ जाएं तो पीछे वालों को भी ये मुशायरा नजर आएगा। आप हजरात से मेरी गुजारिश है जरा बैठ करके पीछे वालों को मौका दें ताकि सब एक दूसरे मोहब्बत के पैगाम में इस पैगाम को आम करें। आपसे बड़ी गुजारिश है, बड़ी मोहब्बत से बड़े अदब के साथ मेरी गुजारिश से बैठ जाए। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ, दिल खुश हो जाता है निजामत करते हुए मेरे दोस्तों। कोई बात कही जाती है तो सर आंखों पे ये रखते हैं, खुदा की कसम दिल मचल जाता है। तनवीर पढ़े भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, पढ़ो बहुत खूब, जिंदाबाद। जितने अच्छे लोग हैं कसम खुदा की उतना अच्छा ही सुन रहे हैं। जी जी, मैं आपके जज्बे को आपके मोहब्बत को सलाम करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ, बताइए खूबसूरत अंदाज में पढ़ता हूँ, सुनिएगा अकमल भाई। हाँ पढ़े। के शौक से सजना सवरना, शौक से सजना सवरना, पर हया बाकी रहे, के शौक से सजना सवरना, पर हया बाकी रहे, शौक से सजना सवरना, पर हया बाकी रहे, बेटियों सर पर रिदाए, बेटियों सर पर रिदाए, बेटियों सर पर रिदाए, फातिमा बाकी रहे। क्या बात है भाई तनवीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह अच्छा पैगाम है भाई, वाह 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 वाह, इस पैगाम को सलाम करते हैं भाई, जिंदाबाद, वाह अच्छा है। फातिमा बाकी रहे, शौक से सजी ना सवरना, पर खया बाकी रहे, बेटियों सर पर रिदाए, फातिमा बाकी रहे। शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा, वो शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, बतौर खास मुलाजा करें, पढ़ें। कि कब नमाज़-ए-इश्क होगी, अकमल भाई जी, आपकी पूरी हुज़ूर, क्या बात है वाह, कि कब जिसे की कजा बाकी रहे। मैं देख रहा हूँ कि आपकी समातें बड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए भी यहीं से मैं अब लाइन चेंज कर रहा हूँ और आपके दिलों में मऊ की जबान या मुबारकपुर की जबान में कहना कि आपके दिलों में घुसना चाह रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, लेकिन इतना जान जाओ ये समंदर बहुत गहरा है, तैरने का ढंग है, अल्लाह ने सलाहियत दी रखी है, क्या बात है। रखता है आप लोग ये पढ़ता हो, क्या पढ़ता है कि ऐ जाने वफा मुझको अल्लाह सलामत रखे, क्या बात है भाई तनवीर, अच्छा है। आप देखिए मुशायरा कैसे हो रहा है जी, अब ये सरैया के लोग झूमेंगे, पढ़ूं कि ऐ जाने ऐ जाने जाने जाने, ऐ जाने वफा मुझको तड़पाओ न तुम इतना, क्या बात है यार, वाह वाह, कि ऐ जाने वफा मुझको तड़
पाओ न तुम इतना ऐ जान वफा मुझको, तड़ पाओ न तुम इतना ऐ जान वफा मुझको, तड़ पाओ न तुम इतना कुछ मुझ पे तरस खाओ, तरसाओ न तुम इतना। तनवीर सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, मैं अपनी भी बात बता दे रहा हूँ। तनवीर सुनो, सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, मैं भी इसी तरह का मामला कर सकता हूँ, क्योंकि कह सकता हूँ कि गोरे हों या काले अच्छे लगते हैं, गोरे हों या काले अच्छे लगते हैं, सब नूरानी चेहरे अच्छे लगते हैं। कल एक लड़की मुझसे आकर ये बोली, दाढ़ी में भी लड़के अच्छे लगते हैं। पढ़े भाई तनवीर, बड़े समझदार हैं आप लोग, मैं समझ रहा था सिर्फ यही है, लेकिन आपसे आप तो और ज्यादा समझदार हैं। पेश करता हूँ, आप अपने नाम पे जोरदार तालियां बजाए बजाए भैया। पीछे वाले भाई, आप ट्रेन में तो नहीं ना है, पढ़ता हूँ। ऐ जान वफा मुझको, तड़पाओ न तुम इतना ऐ जान वफा मुझको, कुछ मुझ पे तरस खाओ, तरसाओ न तुम इतना। अकमल भाई की जवानी और मेरी दोस्ती और ये शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, मुलादा करे कि बाहों से मेरी या कर एक बार लिपट जाओ। अरे वाह वाह, साली मनीष साहब बता रहे, खास मुलादा करे कि बाहों से मेरी या कर एक बार लिपट जाओ, बाहों से मेरी या कर एक बार लिपट जाओ, बाहों से मेरी या कर एक बार लिपट जाओ। हम भी तो तुम्हारे हैं, शर्माओ न तुम इतना। तनवीर हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, तुमसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। अरे हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, अच्छी तर्जमानी है। मेरे बचपन के बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, इतनी खूबसूरत निजामत करे, माशाल्लाह हैं खूबसूरत, इनकी जुल्फे देखिए किसी शायरा से कम नहीं। एक बार इनके नाम पे जोरदार तालियां बजा दे, पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजाए। देखिए भाई, ये शायरा के तौर पे अगर कहेंगे तो बस इतना कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मोहब्बत का अगर यही तकाजा है तो सर तनवीर इतना ही कहता हूँ कि वफा का यही सिलसिला है तो कोई बात नहीं, अगर ये जख्म तूने दिया है तो कोई बात नहीं। मजाल क्या कोई अकमल को कुछ कहते, मगर तनवीर ने कहा है तो कोई बात नहीं। पढ़ें, वफा का नाम भी कोई भूल कर नहीं लेता, वफा का नाम भी कोई भूल कर नहीं लेता, तेरे सलूक ने चौंका दिया जमाने को। अरे वाह वाह, बता रहे खास पढ़ें कि फितरती है ये सूरज की, फितरत है ये सूरज की, हर शाम को ढल जाना, फितरती है ये सूरज की, हर शाम को ढल जाना, फितरती है ये सूरज की, हर शाम को ढल जाना, फितरती है ये सूरज की, हर शाम को ढल जाना। दो दिन की जवानी है, पल खाओ न तुम इतना, दो दिन की जवानी है, पल खाओ न तुम इतना। क्या बात है, वाह। चार मिसरे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, बता रहे खास मुलादा करे। अच्छा हाँ, गीत पढ़ूंगा उससे कबल, गीत मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन उससे कबल एक मतलब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, सुनेगा जी भाई, मतला ऐसा पढ़ना कि मतली आ जाए। मतली नहीं आप जी, एक चक्कर भी आता है और एक आता है घुमटा, वो भी आ सकता है। पेश करता हूँ मुलादा करे कि सुनो जान जाना जाना। क्या बात है, सुनो जाने जाना, सुनो जान
जाने जाना कसब लग रही हो, हंसी लग रही हो, कवल लग रही हो। अब ये अख्तर नसीम साहब का मुशायरा कामयाब हो गया, वाकई कामयाब हो गया, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे भाई, पढ़े। मैं कुछ और सोच रहा था पढ़ने के लिए, माहौल असल में यहाँ के लोग हर तरह की शायरी सुनते हैं, आप जिस अंदाज की शायरी सुनाएंगे इंशाल्लाह वो सुनेंगे। पढ़े भाई, गीत ही पढ़ दे, बार बार गीत की फरमाइश आ रही है, पढ़ दे। मतलब सुन लीजिए, उसके बाद गीत पढ़ूंगा। हाँ पढ़ता हूँ, मिलादा करे कि सुनो जाने जाना जाना कसब लग रही हो, हंसी लग रही हो, कवल लग रही हो। सुनो जाने जाना, सुनो जाने जाना कसब लग रही हो, हंसी लग रही हो, कवल लग रही हो, कवल लग रही हो। अदाएं कयामते, अदाएं कयामते, निगाहें शराबी मुकम्मल हमारी, गजल लग रही। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत खूब, गजल लग रही हो। सुनो जाने जाना जाना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ, देखिए इतनी दूर का सफर करके आपके बीच में आया हूँ मैं, अगर अच्छी शायरी न सुनाई जाए तो मैं अपने आप को कम समझूंगा। ये सरैया की सरजमीन पर शायरी अच्छी सुनाई जाती है, मैं मुशायरों में खालिस गजल के शेर में ज्यादा कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए। बड़े अच्छे लोग डाइस पे तशरीफ रखते हैं और आप उर्दू अदब के जानने वाले मानने वाले हैं, अपने दिल में सच्ची मोहब्बत रखते हैं उर्दू की शायरी, आप बखूबी सुनते हैं, पसंद करते हैं। एक गजल आप बर्दाश्त कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको शेर अच्छा लगेगा तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा, वरना बिल्कुल खामोशी के साथ आप सुनिएगा। तनवीर अख्तर आया कुछ अच्छी गजलें लेके, वो सुनाना मैं चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास। सुने, मतलब तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ भाई, सारी सुने। के आँख की राह से वाह, ए दिल में अरे वाह, उतरने वाले गजल को मैं मुशायरे में पढ़ रहा हूँ, नहीं दूसरी बार, लेकिन आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह एक नई पहचान बनेगी इस गजल के। पहले स्टेज बता रहे सुनेगा कि आँख की राह से ऐ दिल में उतरने वाले, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। शेर हाजिर करता हूँ, लिहाजा करें कि हो बसीरा तो पलट कर ये रिवायत देखो, हो बसीरा तो पलट कर ये
रिवायत देखो बैठा हुआ है, कोई तमीज नहीं, कोई गुफ्तगु नहीं, तनवीर अख्तर एक शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश होता है। अगर आप समझदार होंगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज के हालात हमारी माँ और बहनों के और अतराफ मुल्क के हालात क्या कह रहे हैं, तनवीर अख्तर शेर में खास मिलाद है, सुनिएगा। अज़्म और हिम्मत से, अज़्म और हिम्मत से, अकमल भाई एक आलिम है, नजर करता हूँ, इरशाद भाई स्टेज पर जितने बैठे सब आलिम है, सब जानकार हैं, आलिम के माना जानना, सब है, वाह वाह, पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि अज़्म और हिम्मत से बदल डालो निज़ामे मग़रिब, अज़्म और हिम्मत से बदल डालो निज़ामे मग़रिब, के सबको मग़लूब न कर दे ये भरने वाले। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी शायरी है भाई, ये हो रही है शायरी, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। का हुक्म हुआ है कि शेर को दोबारा पढ़ा जाए, फिर से हाजिर करता हूँ, बता रहे खास मुलाहिज़ा करें, सुनेगा कि से बदल डालो निज़ामे मग़रिब, अज़्म हिम्मत से बदल डालो निज़ामे मग़रिब, सबको मग़लूब कर दे ये उभरने वाले। आज का हिंदुस्तान और ये शेर खास मिलाजा के हमने देखे हैं बहुत करबो बला के मंजर, हमने देखे हैं बहुत करबो बला के मंजर, सूरत अशार से नवाज रहे हैं तनवीर अख्तर साहब। हम नहीं सकते हालात से डरने वाले, और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, और एक मक्ते के शेर में एक दर्द भी है, वो भी बयान करता हूँ, तेरे खास मुलाजा का सुनेगा अकमल भाई, मतलब की बात है, और मेरे बड़े भाई
परवेश कौशल। परवेश भाई मेरे रिश्तेदार हैं, अल्लाह सलामत रखे। संसार निवादी भाई, मेरा छोटा भाई तौकीर अख्तर, मेरा दोस्त सोहेल उर्फ बाऊ, कि सबको शरीक करता हूँ। और एक बार जोरदार तालियां बजा के फिर से इजाजत दे दिया। मक्ते का शेर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, सुनेगा। जख्म तलवार के, नौजवानों हिफाजत कीजिएगा शेर के, कि जख्म तलवार के भर जाते हैं अख्तर, लेकिन जख्म तलवार के भर जाते हैं अख्तर, लेकिन जख्म तलवार के भर जाते हैं अख्तर, लेकिन जख्म बातों के कहाँ होते हैं भरने। तनवीर, अरे भाई इतनी अच्छी शायरी के बाद आप रुखसत हो रहे हैं, आइए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं और कुछ अशार से नवाजें। दोस्तों ये हैं जनाबे तनवीर अख्तर, जो हर अंदाज की शायरी अपने खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल किया जाए। पढ़े भाई तनवीर, बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनने आप। मैं इस तरह की शायरी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, सुनना भी। यूट्यूब पे लोगों को, जो मेरे सीनियर शुरा इकराम हैं, उनको मैं सुनता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है। क्या इस शेर को, देखिए तरन्नुम नाज़ापा जो है, उनका हुक्म है कि इस शेर को दोबारा पढ़ा जाए, तो आप उनके नाम पे ज़ोरदार तालियां बजा दिया जाए। जो जो शायरात हमारे स्टेज पे तशरीफ रखती हैं, पेश कर। जख्म तलवार के भर जाते हैं अख्तर, लेकिन जख्म तलवार के भर जाते हैं अख्तर, लेकिन जख्म बातों के कहाँ होते हैं भरने वाले। बहुत शुक्रिया, आप इसी मोहब्बतों के साथ आप सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे दोबारा हुक्म हुआ है कि और गजल सुनाएगा इंशाल्लाह। आपके मतलब की शायरी में इंशाल्लाह एक घंटा मैं आपको सुना सकता हूँ। एक बिल्कुल नई गजल नौजवानों के हवाले से मैं हाजिर करता हूँ, बतौर खास। नौजवान है, सभी लोग इसमें शामिल है, मेरी माँ बहने सभी, छोटे बड़े भाई सब सुनिएगा। हाँ दोस्तों सुने, कि सुनो एक काम है तुमसे। अरे वाह 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 वाह, सुनो एक काम है तुमसे, नया अंदाज सुनेगा। पढ़े पढ़े, अच्छा है। कि सुनो एक काम है तुमसे, मेरा वो काम कर दो ना। है, क्या बात है। कि सिर्फ शोर करने से कुछ नहीं होता है, आप समझिए, उसके बाद फिर दाद दीजिए। पहले विश्वास, पहले इस्तेमाल, फिर विश्वास। पढ़ता मुलादा करे। कि सुनो एक काम है तुमसे, मेरा वो काम कर दो ना। सुनो एक काम है तुमसे, मेरा वो काम कर दो ना। परी बन जा हो तुम मेरी, परी बन जा हो तुम मेरी, मुझे गुलफा में कर दो ना। बाबा जा हो तुम मेरी, मुझे गुलफा में कर दो ना। सुनो एक काम गए तुम,
जुल्फा में करे दो ना भाई की जुल्फे और ये शेर। उसके बाद एक नज्म में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसका उन्वान है फलस्तीन, जो इस वक्त सख्त जरूरत है हम लोगों को बांटने का। वो एक नज्म जरूर आप लोग सुनिएगा। मैं ये शेर हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा करें करें कि खड़ा हूं धूप में तन्हा और वह सत्य की मौत से सत्य की मौत से खड़ा हूँ धूप में तन्हा और वह सत्य की मौत से मेरे चेहरे पे तुम बिखरा के जुल्फे शाम कर दो ना। मेरे चेहरे पे तुम बिखरा के जुल्फे शाम कर दो ना। क्या बात है, वाह वाह, शुक्रिया दोस्तों। एक नज्म का हुक्म हुआ है, गीत इतना अच्छा आप सुन रहे हैं आप, इसमें गीत की बात है। गीत पढ़ूं तो पूरा मजमा गीत की तरह सुनेगा, फिर मैं अपने रंग में आगे पढ़ूंगा, सुनेंगे। लेकिन गीत के बाद जो मेरे मोहतबर मेहमान हैं, मैं उनको एक नज्म सुनाऊंगा जरूर। हाँ, आपको गीत में सुना रहा हूँ, सुने 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 सुने। तू सुंदर सी लड़की, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था लेकिन अब मेरी मजबूरी, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं लेकिन करें, गुनाह करके फिर नेकी करेंगे करेंगे जी। पढ़ें भाई तन्वीर, बहुत अच्छा। तू सुंदर सी लड़की मलका है मेरे दिल की, तू सुंदर सी लड़की मलका है मेरे दिल की, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है अपनी ये प्रेम कहानी। धरती का राजा तूने गगन की रानी, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। धरती का राजा तूने गगन की रानी, वाकई अगर इस महफिल के अंदर तेरी महबूबा होती तो पसीना जाड़े के मौसम में आ रहा है, वो अपना दुपट्टा फाड़ के तेरे माथे का पसीना पोंछ देती। आप महबूबा का नाम न लीजिए, मुझे सब बिल्कुल शायरी आप तक पहुंचानी। पढ़ें भाई तन्वीर, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। पढूं? ये कह रहे महबूबा, इसने हसीन चेहरे पर धोखा मिल सकता तो आप इनको देख लीजिए। सही बोला हूँ, सही है, फिर मैं गीत बाद में पढ़ूंगा। पढ़ूं? अच्छा, कि तू सुंदर सी लड़े, जब गीत ही सुनना चाह रहा था फिर मैं आपको मतलब की शायरी सुना रहा, उसके बाद आप गीत सुनिएगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कि बेसबब चिड़चिड़ाना गलत बात है। अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, सुने दोस्तों, कि बेसबब 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 चिड़चिड़ाना गलत बात है, अरे सबको पागल बताना गलत बात है, सबको पागल बताना गलत बात है, कर मेरे को तो मिलने भिया हो कभी, कर मेरे को तो मिलने भिया हो कभी, अरे फेसबुक पर सताना गलत बात है, फेसबुक पर सताना गलत बात है, सबको पागल बताना गलत बात है। चार मिसरे और आप तक
पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, सुनेगा कि दिल जलाने की बात करते। अरे वाह वाह वाह, दिल जलाने की बात करते, दिल जलाने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो। अरे जिक्र मेरा सुना तो चिढ़ के कहा, जिक्र मेरा सुना तो चिढ़ के कहा, अरे किस दीवाने की बात करते। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, जिंदाबाद। करते हो मुस्कुराने की बात करते हो, महबूबा की बात उन्होंने कहा। अब चार मिसरे सुनिए, पढ़ता हूँ कि ये किसने कह दिया तुमसे, कह दिया तुमसे, ये किसने कह दिया तुमसे कि यूं ही छोड़ आए हैं। कनकशन दिल का दिल के तार से हम जोड़ आए हैं, कनकशन दिल का दिल के तार से हम जोड़ आए हैं, वो हमको याद करके हाय हाय कर रहे होंगे, वो हमको याद करके हाय हाय कर रहे होंगे। अरे कलाई जिस मोहब्बत से हम उनकी मोड़ आए, अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। जिस मोहब्बत से हम उनकी मोड़ आए हैं। अब सुने दोस्तों, कि तू सुंदर सी लड़की मलका है मेरे, क्या बात है यार, तू सुंदर सी लड़की मलका है मेरे दिल के, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है अपनी ये प्रेम कहानी, मैं धरती का राजा तू नील गगन की रानी। धरती का राजा तू नील गगन की रानी। अरे यार ऐसा शेर शेर, मेरी चाय ठंडी हो गई है, पढ़े भाई तन्वीर। पेश करता हूँ, क्या बात है, वाह वाह, पढ़े। कि तेरा चेहरा है या खिलता कवल, शायर की रंगीन गजल, तेरा चेहरा है या खिलता कवल, तू शायर की रंगीन गजल, बोले तो बजी है शहनाई दिल लूट तेरी अंगड़ाई, बोले तो बजी है शहनाई दिल लूट तेरी अंगड़ाई, आवाज में तेरी जादू तू एक अनोखी खुशबू, आवाज में तेरी जादू तू एक अनोखी खुशबू, आंखें तेरी कजरारी गए, आंखें तेरी कजरारी गए, चाल तेरी मस्तानी। अरे मैं धरती का राजा तू नील गगन की रानी, मैं धरती का
तनवीर ये उछल उछल के दांत दे रहे हैं, लेकिन आप कितनों ही दांत दें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इनकी बातों को अमल में मत लाइएगा वरना जमानत नहीं होगी। डेढ़ मिनट से ज्यादा किसी लड़की को अगर आप घूर देंगे तो उस पर एक धारा लग जाएगी। और इन्हीं जैसे शायरों की शायरी सुन सुनकर कम उम्र में जो नौजवान हो जाते हैं उन्हें थाने में निकाह कराना पड़ रहा है, इस बात का ख्याल रखिए। हाँ सुने, पढ़े भाई, जब घर वाले नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये चाचा बड़े उछल उछल के दाते हैं, पूरी जवानी बाहर आ रही है, कह रहे हैं कि दोबारा पढ़िए। क्या अरे यार तनवीर अरे चाचा के नाम पे जोरदार तालियां बजा, मैं फिर से पढ़ता हूँ, बताओ रे खास मिला सुनेगा। तेरा चेहरा है या खिलता कबल, तू शायर की रंगीन गजल, बोले तो बची है शहनाई, दिल लोट ले तेरी अंगड़ाई, आवाज में तेरी जादू, तू एक अनोखी खुशबू, आवाज में तेरी जादू, तू एक अनोखी खुशबू, आंखें तेरी कजरारी गए, आंखें तेरी कजरारी गए, चाल तेरी मस्तानी, मैं धरती का राजा, तू नील गगन की रानी। क्या बात है, वाह। सुने, नजर करता हूँ आपकी, सुने दोस्तों, पढ़ें। बस बहुत ज्यादा नहीं कि मस्ती में थोड़ा वाह झूम लूं मैं, क्या बात है, आ पास तेरे लब चूम लूं मैं, मस्ती में थोड़ा झूम लूं मैं, आ पास तेरे लब चूम लूं मैं खेलूं तेरी जुल्फों से, पीने दे मुझे तू आँखों से, मैं खेलूं तेरी जुल्फों से, पीने दे मुझे तू आँखों से, दीदार तू अपना करा दे, नजरों की प्यास बुझा दे, दीदार तू अपना करा दे, नजरों की प्यास बुझा दे, मैं तेरा दीवाना गो। क्या बात है, दीवाना गो, मैं तेरा दीवाना गो, तू है मेरी दीवानी, मैं धरती का राजा,